पॉइंट की तुम इंडी पॉइंट भी आखी सकनी हो, इसकी तुम पाकिस्तान पॉइंट भी आखी सकनी हो। ठीक है, संगियो दोस्तों निके दे बड़े हो, क्या हाल है जी? ठीक हो, खैरियत है? मैं उस्मान असगर, तुस देखने हो अपना फैमिली फेसबुक यूट्यूब चैनल पंद्री पॉइंट। उम्मीद करना है तुस सारे भी वल हो सो, ठीक हो सो। आई अस मौजूद हैं जी अपना ग्रां अपना तारा टावर उपर, और माशाल्लाह बारिश हुई, और बारिश की बाद इतने ना जो खूबसूरत मनाजर दे, क्या ही दिल फरेब मनाजर दे माशाल्लाह। और आई पूरा एरिया तुस देखने हो सो कि धोता धाता ना एरिया दिसना इतने माशाल्लाह। अरे बहुत ही खूबसूरत एक जरा एक आसमान उपर हल्के हल्के बादल, और लंदरी शहर तुस मेरे सामने देखने हो सो, जिदे माड़ा इशारा था कि इसलिए सही चमक दमक दी उसने भी, और इतों तुसों की मुख्तलिफ नज़ारे देखने के लफ्ज़ हैं। यो एक यो पॉइंट था, एक ऊपर पॉइंट था, एक थोड़ा होर बुनकरी पॉइंट था। आई असो इस पूरे तारा टावर की एक्सप्लोर कर सौ, तुसों की दसो जी। तो नाजिम जिस तरह असम तुम्हें दसा कि आई अस मौजूद है इतने तारा टावर उपर, जो सड़ा बई एरिया भी था माशाला कुदरती उसने माला माल का। आई से असम मौजूद है इतने मकामी जनाब सरदार अब्दुल वाहिद साहब, और वो असों की इतने जो खूबसूरत नज़ारे दे, जो इतों पॉइंट तुम नज़र रखने वो सारे असों के जनाब वाहिद साहब अपनी निगरानी भी इतने दस। क्या हाल है? ठीक हो, खरीत है? ठीक दी माशाला। एक खूबसूरत जगह पर तुम मुलाकात हुई, अरे सड़ा खुश नसीबी समझो। हूँ तुम असों की कोई थोड़ा बारे ही दसो ना कि क्या क्या जरा इतों के पॉइंट नज़र रखने, और इतने क्या क्या सहूलियात जो टूरिज्म दिखाई गई पहले, या मजीद इतने क्या किया जाए और ताकि इतने और लोगों की और टूरिस्ट की इतने अट्रैक्ट किया जाए। जी बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, पहली गल तो यह है कि तुम सारी जगह की एक्सप्लोर करने हो, सामने तुम की नज़र रखना पलंदरी शहर जरा इतों, चूंकि पक्की सड़क है नहीं कोई जमीनी 12 किलोमीटर फासला है। पलंदरी शहर सौ ये पूरे नो ग्रां अशना पूरा, ठीक है, और पीछे गुरा अशनी थी, ठीक है। बाकी इसना जड़ा है ये सामने जड़े टावर नजर आ रहे पीछे अगर देखो सून टोपा, मेरे ख्याल नहीं नहीं सून टोपा नहीं है, ये मोंग है। अच्छा ये मोंग है, ठीक है। सून टोपा इस अगे अच्छा सून टोपा ले टावर उधर नजर है, ठीक है। ये सामने जरा ये पूरा ग्रां या बड़ा खूबसूरत ग्रां या वादी है, ये पूरा है पूरे ना, ठीक है। ये सर पूरा अगर अस सामने पहाड़ी जड़ी नक्की उठी नीचे अगर सामने सीधे जाओ तो तुसों की नजर अशना पतन पुल, ठीक है। ये पतन दरिया झेलम है, और दरिया झेलम इस वक्त ये चूंकि उलाड़ डैम भी सिया ग्रां है, अगर असा इसकी मजीद इस जगह की चूंकि ये नज़दीक तरीन है, व्यू पॉइंट है, सामने नाड़ है, कोटली सतियाँ है, मरी है, और एक जरा नाड़ है इसलिए पीछे राहुल पिंडी इशना देख सौ, उसकी कोटा भी नजर इशना सामने, रवात है सामने सारी, ये व्यू पॉइंट है जबरदस्त। नाज़रीन तुम देखा कि यो एक ऐसा जबरदस्त पॉइंट है कि तुम देखा कि दरियाए जेलम जड़ा था वो किस तरह जिग जैग आ रहा, और उसने पूरे जड़े जितने भी वो मनाजर थे उस इतों बेहतरीन तुम्हें नजर आई सर, या डैम बने उस डैम की वजह से पानी ने लेवल भी काफ़ी बढ़िया पूरा आया जी। और इस तरह तुम देखो कि ये बुन जड़ा एक असीन वादी, तो वाह साहब इतने तुम दसने से हो कि अगर कोई मनसूबा एक लाया जाए वो कैसा साढ़े नाजरीन की थोड़ा दसो। देखो ना जी मनसूबा ये आ गया अस गए तुम अगर मरी गए वा पत्रियाटा जी लगी नहीं उसकी चेयर लिफ्ट जी, उस तरह नहीं अगर चेयर लिफ्ट लाई जाए पतन जरा दरिया है दरिया उपरा एक केयर रशनी है जी केयर, देखो ना अगर कैमरा हो सकना छपड़ी छपड़ी पूरा नक्की पोठी पूरा पोठी जी जी पोठी उपरा बिल्कुल एक जरा कट्ठा उपरी 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 बिल्कुल सड़क भी इस इधर सड़क भी इस रूट बिल्कुल सामने दिसने भी दी सड़क अब ये उपरी 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 अच्छे अगर अच्छे इतने इतने तक ये बेस बने एक जबरदस्त एक पॉइंट बनना किस इस इसना चेयर लिफ्ट जी चेयर लिफ्ट है। दूसरा एक अगर फर्ज किया चूंकि इस ऊपर करोड़ों नहीं मड़े सब अरबों रुपये जाहिर है प्रोजेक्ट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर या कोई भी जड़ा कोई इन्वेस्टर है वो कर सकना बिल्कुल। दूसरी एक कशनी थोड़ा सा अगर तुम देखो इसकी नीचे एक चिनोटा गांव है बिल्कुल चिनोटा और नीचे जड़ी है इसकी सिया बिल्कुल जड़ी है ये जड़ी ये जड़े केर कशनी इस केर है ऊपरी ऊपरी अगर जड़ी पर बेस बनाओ तो ठीक है क्योंकि जाडी तक अशनी सड़क उधरा सी पतने थी ठीक है पक्की सड़क अशनी जाडी की तुस बेस बनाई तो ऊपर
चिनोटा जरा पहला स्टैप और दूसरे स्टैप टावर तारा टावर उपर दो चीज़ दो रूट है इस उपर कम खर्चा अच्छी सकना लाया जाए कैमरा लाओ वो जो लता गला आखने उस यार थोड़ी जी सड़क भी दिसनी सड़क भी दिसनी बिल्कुल ये सड़क तो इधर जानी इधर इस लिंक की जी जी लिंक है बिल्कुल अब उठे तक अगर ये जीप लाइन लगाई जाए ठीक है वापस उधर गड्डियों पर ही बंदा आ सकना लेकिन गड्डियां थी अलावा भी है कि तू बेस्ट रूट जो था हाइकिंग नो जो रूट था जी हाइकिंग ट्रैक एक जबरदस्त बनना बिल्कुल असि उधर अशने रे कृष्ण रे हो इधर ये पंडियों भी बनती है सारा पूरे आई है राग अश्नान सा लोग बोलने जा नहीं है बिल्कुल हाइकिंग ट्रैक बनना कोई विजिटर जेडे उन वास्ते एक बेहतरीन जड़ा हुई जेडे हाइकर है जेडे हाइकिंग की पसंद करने उन वास्ते यो तकरीबन 2 किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर अच्छा एक और चीज मारे देनी चाहिए इस हवाले से मैं सुन चुके गल कर रहे वो सामने एक रोड जा रही ठीक है पूरे थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है बिल्कुल चाल क्षेत्र उस रस्ते जा रही ठीक है अब इतने इस जगह पर नीचे एक कोठी भी दी जड़ी अपने कामत साहब की कोठी बिल्कुल बिल्कुल उस कोठी को एक जगह बननी जिथे बड़ी जबरदस्त झील बनी झील बननी बिल्कुल वो उठे तुझ देखो लो जी चाली वाले सामने संग ऊपरले पास संग ऊपरले पास बिल्कुल बड़ी जबरदस्त झील बननी अगर उसे झील बनाई जाए तो अब इसकी उस संग भी तुझ कनेक्ट कीता जाई सकना हो झील ने पीछे जड़ा था वो एक पार्क जो हॉस्पिटल ना ऊपर जड़ी वजह से मला खूबसूरत जगह 5 मिनट का रास्ता है अस्पताल कोला और विजिटर्स रास्ता एक बेहतरीन नाजिन इस जगह अगर तू सचने जो है उसमें दो रूट थे एक दा के तुस डीएचके हॉस्पिटल को सीधे आगे निकला नालियां डा थी तार रास्ते होने हैं तुस इथे टावर ऊपर पहुंच दुआ अगर तुस मजीद चीजा एक्सप्लोर करने चाहने आ ते तुस उत्थु चाल क्षेत्र हॉस्पिटल को ऊपर चढ़ा बरस्ता पूरा रत्ता गला सीधा आने बुन यो लिंक आनी है रो जी जी और आने आस्ते एक रूट अगर इस्तेमाल किया जाए दुआ मुड़ी जाने आस्ते तो तुसों की इस पूरी जड़े तार दराचा एक हसीन तरीन वादी दी तुसों की इसने पूरे नज़ारे इतों लभी सकने जी तो नाजी जिस तरह अस एक पॉइंट इसने दसिया तारा टावर ना हूँ अस मौजूद हैं दुए पॉइंट उ वाई साहब इसने बारे के दसो कि इस पॉइंट में क्या नाम दस क्या आख्या जाना और इस केड़े केड़े एरिए तुम दसने जी सर बहुत शुक्रिया इस पॉइंट की तुम पिंडी पॉइंट भी आखी सकते हो इसकी तुम पाकिस्तान पॉइंट भी आखी सकते हो ठीक है बेसिकली इधर जो तुम दसने से वो शुमाल सी ठीक है मशरक ना एरिया सा ठीक है क्योंकि पलंदरी साढ़े मशरकी जश्न है ठीक है जनूब ना एरिया या ठीक है और मगरब ना एरिया या सामने जड़ा सा मैं सामने एक पेड़ नजर आ रही ठीक है इसकी संधा आखने ठीक है दनो संधा दनो इसके आगे बारह लक्षण थी पूरी और फिर आगे सिरसावा सेंसा या यानी पूरी पेड़ जड़ी जी सिरसावे तक जी सिरसावे तक अश्नी आगे ये जोड़ा पंजेड़ा है फिर सिरसावा है इसके आगे कोटली है निकाल और सेंसा फिर अस अगर इसकी इधर देखो फिर अगर अस इधर फिर ये एरिया नजर रखना सामने तुम देखो अगर दरिया ने थोड़ी जी जल नजर रखनी दरिया ने उरारी जड़ा एरिया है इसकी पौना ठीक है आइन है पौना है यलकाल से वगैरह इस तरह नहीं है लेकिन इस दरिया ने जरा पीछे अगर गचो कुछ ये फिर पंजाब ना आया फिर पीछे जरा कोटा अशना ठीक राती अगर तुम अगर अच्छो ना तो कोटे नहीं हो जड़ी वो एक्टिव प्लाट नहीं लाइटा ही है ना लाइटा बिल्कुल सामने नजर अशना जी जी मौसम साफ है तो जीटी रोड जी जी रात नहीं है बिल्कुल रात तक जरा अशना फिर इस पास अगर गचो तो ये नड़ा में जरा एरिया अशना कश्मीर पॉइंट बुनना बालाकोट झारखंड गोरा बलोच बैठक और इसी तरह मंग ओदे पिछे कि थोड़ा जहा बाघ ना एरिया भी दिखा ते इस जेड़ा पॉइंट था इस पॉइंट उपर तुसों की यो रावलपिंडी इस्लामाबाद इकबाल शुजी खान सुहावा बस जेड़ा यो लाद दा नारायण कौर दा इधर तुसें कोठी पिछा कुछा जहा मौसम साफ था
बैठे इसने बारे ही दसो ना कि उस्मान साहब बहुत शुक्रिया। इसकी ये बेसिकली यह जगह जी इसके अस चफड़ी मेली आखने होने से इस दो कामन चीज़ें हैं ना कि दो चीज तुम सामने दिस सामने में दसा सा कि पोरा आया पोरा जो ग्रां है और उसकी देखो ना जी पूरी उतो सीधी उपर अच्छी है टावर को फिर उतो अगर वो जो पोरे ना आखने जो नक्का है ना उस पर तुम थोड़ा फोकस करो ना इतों फिर एक केर बेचनी बिल्कुल है सीधी 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 इसने ओ पतल ओले उपर बेचनी थी। सर मैं तुम्हें दसिया सा ना अगर इधर देखो जो जनूब ना एरिया आ पिछे मैं तुम्हें ओलाड़ दसिया सा उपरा उत्ते वो पिछे ओलाड़ नज़र आ रहा इधर ए संधा इलाका आया इसने पिछे जरा सेंसा है फिर सिरसावा और जरा सेंसा सिरसावा कोटली इस साइड उपर अच्छा थी और उन तुस अगर छोटी पिछे पौना पौना जरा है वो पुल अग्रारी ना पुल जिसकी अस आखने से उस तू इन्नी तेज जो डैम ना इस वक्त नज़ारा है सुबह टाइम बड़ा जबरदस्त नज़ारा सा इस वक्त ब्याह उधर गया थी सूरज ते सोने पुल है और एक जबरदस्त किस्म का एक नज़ारा है जरा पीछे इसने जरा ये अशना इसकी तुस अगर देखो सामने जरा पंज पीरनी टेकरी है नाड़ है संग इसने कोटली सतियाँ है पीछे मरी अशना पूरा एरिया और एक कोटा जरा तुम्हें दसिया सा कि जबरदस्त जरा व्यू पॉइंट बनना। मैं तुसानी सतत संग गौरमेंट की इल्तमास कर सा ये जरा सारा जगह बननी ये सारा जंगल ना एरिया आ अगर गौरमेंट इसकी अपने जरा सियात ना महकमा आ उस महकमे की जगह दी जाए ये तकरीबन 200-300 कनाल रकबा बनना जिस विच बाकायदा इसकी ये जी प्लांटेशन है बड़े जबरदस्त दरख्त हैं लेकिन ये चूंकि महकमा जंगलात ने अंडर है ये दरख्त जंगल है दरख्त हैं सर इन दरख्तों की अगर महकमा सियात ने जेरे कंट्रोल अच्छे इतने पब्लिक पार्क बने बड़ा जबरदस्त इस वक्त क्योंकि 400-500 कनाल रकबा है जो महकमा जंगलात में आ ये अगर महकमा सियात ने अंडर अच्छा इन दरख्तों की तराश खराश करके और पार्क नहीं शक्ल दी जाए बजाय जंगल ने जंगल क्योंकि तुम्हें पता बेतरती भी चीज़ है नहीं और तराश खराश करके खूबसूरत उस मंजर पेश हुआ है दूसरा इतने एक पब्लिक पार्क बनी जाए एक रेस्ट हाउस बनी जाए और जिस विच लोग इतने अच्छे हैं इतने रिहायश करें फिर लोगों की थोड़ी बहुत जगह दी जाए जी वो लोग इतने मुकामी जड़े लोग हैं उनकी इतने कारोबार इस इतने कोई छापड़ियाँ लाएं इतने दुकाना बन इतने होटल वेन इतने जरा रिहायश इस लोगों की सहूलत दी जाए ताकि यह एक नज़दीक तरीन पॉइंट है तुम देखो पिंडी को इतने नज़दीक तरीन पॉइंट है और फिर अगर चेयर लिफ्ट वगैरह पर अगर काम किया जाए कि लाई जाए मैं समझना इसके सारे 12 महीने यानी कि जी तुम अक्सर भी जो पॉइंट टूरिज्म पॉइंट जो नजर अच्छे उसी 4-5 महीने काम आना 4-5 महीने टूरिस्ट अच्छी सकना यह वह जगह दी जी 12 महीने साल ने 12 महीने इतने टूरिस्ट अच्छी सकना और टूरिस्ट इस जो एक ईजी अप्रोच है जगह की। बहुत शुक्रिया जी उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम साढ़े इस ग्राएं की एक्सप्लोर करने और दुनिया मीडिया ने सादत संग साढ़ा इस कुदरती हुसन संग माला माल जड़ा एरिया दा इसकी देखनी और ना चाहो सर्दियों चो गर्मियों चो बर्फबारी चो बहार चो खजां यानी जिस मौसम चो तुसों की ट्रांसपोर्टेशन की कंप्लीट सहूलत यानी कि एंड पॉइंट तक इतने पक्की रोड है जिसनी वजह संग सियाहत ईजीली इतने अप्रोच करी सकना और भाई तुसों की मैं खुसूसन अप्रीशिएट कर सकूँ कि तुसों एक बहुत अच्छा कम करने हो और सुदनती ने हुसन की दुनिया ने सामने रखने हो और नौजवानों वास्ते तुस बेहतरीन रोल मॉडल हो जड़ा इस सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म की मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने हो और सारे जड़े भी व्यूअर्स उन संग भी यह दरख्वास्त कर सकूँ कि उस्मान भाई ने सपोर्ट करो इन्हों की लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जड़ा था ना साड़ी यो देसी जबान कल्चर और यो माहौल और हुसन और उस्मान भाई ने जड़ी मेहनती लोगों तक पहुँची सके और चैनल जिन्हें नहीं सब्सक्राइब किया ना एक दफ़ा सब्सक्राइब करी छोड़ो और उस्मान भाई एक दफ़ा तुम्हें फिर बहुत बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त।